नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्ज़ा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मुख्तार की करीबी अलका राय के बारे में। डॉक्टर अलका राय फर्जी एम्बुलेंस मामले में मुख्तार की सह आरोपी हैं और उन पर गैंगस्टर के मामले भी लग चुके हैं और वो जेल की हवा भी खा चुकी हैं। आपको बता दें, अलका राय पहले भारतीय जनता पार्टी में थी, लेकिन जब उनका एम्बुलेंस फर्जी मामले से नाम जुड़ा तो बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन अब वो बीजेपी की सहयोगी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबसपा का दामन थाम लिया है। ये आपको बताते हैं कि अलका राय और ओम प्रकाश राजभर क्या कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। सत्ता के करीब आए माफिया मुख्तार अंसारी की करीबी गैंगस्टर राजनीति में मची हलचल। माफिया मुख्तार अंसारी की करीबी गैंगस्टर अलका राय को ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी में कराया शामिल। एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी के सहयोगी आरोपी गैंगस्टर डॉक्टर अलका राय को ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में शामिल कराया गया है। मऊ जिले के रतनपुरा में आयोजित रैली में ओम प्रकाश राजभर ने पूर्व बीजेपी नेता डॉक्टर अलका राय को अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। अलका राय एम्बुलेंस प्रकरण में मुख्तार अंसारी के साथ सह आरोपी हैं, जिसके ऊपर गैंगस्टर के तहत बीते दिनों कार्रवाई की गई थी, जिसमें उनके करोड़ों की संपत्ति को सील किया गया था। साथ ही कई महीनों से सलाखों के पीछे भी वहीं अलका राय रह चुकी हैं। एम्बुलेंस मामले में नाम आते ही बीजेपी से निष्कासित किया गया था। डॉक्टर अलका राय मऊ जनपद में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चेहरा रही हैं, लेकिन एम्बुलेंस प्रकरण में नाम सामने आने पर बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद अलका राय जेल से बाहर आने के बाद अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रही हैं। इसी बीच एनडीए गठबंधन में सहयोगी सुबसपा के साथ अलका राय सत्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पार्टी ज्वाइन की है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी की बात की जाए तो मुख्तार अंसारी की बेटी अब्बास अंसारी को बीते विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाया था, जो कि सुबसपा के विधायक हैं अब्बास अंसारी। वही अलका राय भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में शामिल हो गए, जिसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।